आप सब होपफुली से बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुंडई की स्टार गेजर। ये कार देखने में बहुत अमेजिंग है, अभी आपको समझाऊंगी गाड़ी के बारे में। ये कार बेसिकली कम्पीट करती है हमारी अर्टिगा के साथ और किया कैरेंस के साथ। कितनी टक्कर दे पाती है या बिल्कुल इसकी टाई टाई फिश होने वाली है वो बात करते हैं। अब पूरी कार को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन हर स्पेक्स के साथ। फ्रंट की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये एलईडी बार मिलता है जो आपको एग्जैक्टली वर्ना के अंदर मिल रहा है, अलोंग द विड्थ जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। नीचे के साइड में भी ग्रिल को आप देखेंगे तो काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ है, ब्लैक पियानो फिनिश में इसको दिया गया है। उस साइड में मूव करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एलईडी हेडलैम्प स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसी के अंदर आपका सब कुछ एम्बेडेड है, आपके हेडलैम्प्स और आपका फॉग लैम्प अलोंग विद द टर्न इंडिकेटर्स। लोअर बम्पर पार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्मार्ट आपको लगेगा, काफ़ी गाड़ी ना स्पोर्टियर सी लगती है अगर फ्रंट से इस कार को हम लोग देखते हैं। ये जिगजैग डिज़ाइन कार को काफ़ी अच्छा अपील दे रहा है। साइड में आपको ड्यूअल शेड में इसके अलॉयज़ मिल जाते हैं और ये 16 इंचेस के हैं। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भी इस कार में काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस कार को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर भी आप लेके जा सकते हैं। आयर भी अब हमें यहाँ पे मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर के लिए आपको स्ट्रिप दी गई है एलईडी की। क्रोम डोर हैंडल है, रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड पे गिवन है। और इन टोटल अगर हम प्रोफाइल को देखते हैं साइड से कार को तो आपको कंप्लीट एमपीवी लुक देती है ये कार। और लोअर पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कट दिया गया है जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी कर्वी लुक में आपको दिखाई देगी। बैक प्रोफाइल कार का बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत बिग साइज़ आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं यहाँ पर, कनेक्टेड एलईडी बार आपको मिल जाता है। ये डिज़ाइनिंग आपको बहुत क्लासी लगने वाली है, मतलब डिज़ाइन एलिमेंट की अगर आप बात करोगे तो वो इस कार में भर भर के है। हुंडई की बैजिंग, गाड़ी का नाम, नीचे वाला लोअर बम्पर पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सिंपल भी लगेगा और थोड़ा एलिगेंट भी लगेगा। यहाँ पर आपको कैमरा दिया गया है, ये आपका रिवर्स कैमरा है, नीचे के साइड में प्लेस किया गया है। और ये हमारे पार्किंग सेंसर्स हैं, डिफॉगर वाइपर, शार्क फिन एंटीना, ये सब चीज़ों से लोडेड व्हीकल है ये। बूट में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर मैनुअल ओपनिंग है आपके पास। सारी सीट्स अगर आपकी अप है तो आपके पास इतना स्पेस है, और अगर आप इन सीट्स को डाउन कर देंगे तो आप इतना बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में भी आपके पास कप होल्डर है और स्टोरेज की जगह दी गई है, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिलेगा। रियर में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको बेंच सीट का ऑप्शन भी मिलता है, और जो आपके हैंड रेस्ट है इसको आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। पीछे अगर जाना चाहें तो यहाँ पर भी आपके पास इनफ पैसेज है, आप यहाँ से भी निकल के पीछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको टिप एंड टम्बल मिलता है, आप इसको डाउन करके और सीट को इस तरीके से अप कर देंगे और फिर बहुत ईजिली आप पीछे जाके बैठ सकते हैं। पीछे का स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, डिसेंट स्पेस है। आपके पास हेड रूम बहुत है और नी रूम अगर आप कंफर्टेबली, मतलब मेरी हाइट के अगर लोग बैठते हैं, आई एम 5'5", मुझसे लंबे भी थोड़े बैठेंगे तो भी बहुत आराम से बैठ पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पीछे डिसेंट साइज़ मिल जाता है सीट्स का और आपके नी के लिए। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और ये सिंपल आपके वेंट्स हैं, टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं। ब्लोअर की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इस डायल के थ्रू। यहाँ आपको ट्रे मिल जाती है इस कार में, जहाँ पर अपना कोई कप आप रख सकते हैं, यहाँ पर अपना लैपटॉप रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह इन्जॉय करते हुए अपना ट्रिप इन्जॉय कर सकते हैं। नीचे की साइड देखेंगे तो आपको दो टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और एक छोटा सा स्टोरेज यहाँ पर चुन्नू मुन्नू सा दिया हुआ है। रियर में आपको डोर के अंदर यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्पेस दी गई है अपना कप रखने के लिए या बॉटल रखने के लिए, अच्छी खासी जगह है ये। चलिए अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के बारे में, आ जाइए। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, लॉक एंड लॉक कंट्रोल है, ओवरवियम के कंट्रोल है, सिल्वर में आपको ये डोर हैंडल मिलता है। नीचे की तरफ देखोगे तो बॉटल होल्डर की जगह ठीक ठाक जगह है, ये बॉटल ही आ जाएगी आपकी। ऊपर के साइड में सॉफ्ट टच लगेगा आपको, लेकिन हर जगह यहाँ पर प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। सीट एडजस्टमेंट भी आपको मैनुअल दी गई है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की, यहाँ पर आपको लेदर रैप स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं और राइट साइड में आपके पास MID कंट्रोल दिए गए हैं और साथ में आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है। देखिए अगर आप स्टीयरिंग को देखेंगे तो ये आपको क्रेटा का स्टीयरिंग दिया गया है इस कार के अंदर, लेकिन आज की डेट में जो वर्ना में हमें मिल रहा है वो बहुत पेल सा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अगर ये वाला देते ना वर्ना में तो ज़्यादा अच्छा लगता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल ऑन बिल्कुल वेन्यू वाला मिल जाता है, जैसे वेन्यू में मिलता है हमें। और अगर जैसे ही आप टच स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे तो ये आपको किया इंस्पायर्ड लगेगा, किया की काफ़ी सारी कार्स में आपने इस टाइप का इंफोटेनमेंट देखा होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देती हूँ मैं कि जो हमारी किया है और हमारी हुंडई है, ये दोनों कंपनीज अपने पार्ट्स को शेयर करती है। नीचे की तरफ मूव करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आपके पास AC कंट्रोल यूनिट है,
यहाँ से आपका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है, यहाँ से ब्लोअर की स्पीड हो जाएगी, बाकी आपको ये सब टच में मिल जाते हैं। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ये यूएसबी पोर्ट दिया गया है और ये आपका वायरलेस चार्जिंग, जैसी ऑन होगी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। इस कार के अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिल जाते हैं और दोनों आपको वायरलेस मिलते हैं। 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे डिटेलिंग अगर आप देखेंगे तो ब्लैक पियानो फिनिश, सिल्वर एंड ब्लैक का बहुत स्मार्ट यूज़ है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर बोलें कि डिज़ाइनिंग में हुंडई कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो हमेशा हमारा वर्ड आएगा नो। ड्राइव मोड्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे और आप यहाँ से अपना ट्रैक्शन को ऑन कर सकते हैं। ट्विन कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक और जो आपका सेंटर में हैंड रेस्ट है उसके अंदर आपके पास इतनी जगह है और कोई कंट्रोल भी नहीं है। और अगर मेन बात है ये, मैं अगर इतनी आगे चल के मैं यहाँ पे बैठ के कार को चलाती हूँ तो मेरे लिए हैंड रेस्ट नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा और ये मूव भी नहीं होता, ये आगे नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास छोटा सा स्पेस मान लीजिए या डिज़ाइन मान लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक का यूज़ है हर जगह, सॉफ्ट टचेस नहीं दिए गए हैं कहीं पर भी। यहाँ पर भी आपके पास स्टोरेज है, सामान रख सकते हैं। उसके नीचे ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर लॉक का कंट्रोल नहीं है लेकिन डिसेंट साइज़ का जगह है इसके अंदर। ऊपर के साइड में आपका मैनुअल IRVM दिया गया है, ये लाइट के लिए हैं, कंट्रोल्स हैं। अच्छा, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ये वेंट्स दिखाई देंगे, आपको लगेगा भैया कितने ब्लोअर दिए हैं आगे भी पीछे भी। तो दोस्त, ये ब्लोअर यहाँ से जो AC की हवा है उसको कैच करता है और पीछे की साइड उसको पास कर देता है, तो एक तरीके से एयर मल्टीप्लिकेशन का पार्ट करते हैं ये वाले ब्लोअर। अगर इस कार के कंपैरिजन की बात करें तो मारुति में इसका अर्टिगा से कंपैरिजन बनता है और किया में कैरेंस के साथ बनता है। अर्टिगा से एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकते क्योंकि अर्टिगा का प्राइस इस कार से कम हो जाता है, लेकिन कैरेंस से हम इसको काफ़ी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कुछ चीज़ें आती हैं ना, जैसे मैंने फिनिश यहाँ पर देखी, फिनिश बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन अगर आप कैरेंस का इंटीरियर देखेंगे तो आपको ज़्यादा टेकी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लुक वो देती है। इंजन की अगर आप बात करेंगे तो इस कार के अंदर आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो आपको पावर देता है 115 हॉर्स पावर, और आपको टॉर्क जो मिलेगा वो है हमारा 144 न्यूटन मीटर का। सेफ्टी की अगर बात करेंगे दोस्त तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। फ्रंट में यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, रियर में आपके पास ड्रम है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको अडास मिल जाता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर ये इंडिया में गाड़ी आती है तो आई थिंक विदाउट अडास आएगी। तो गाड़ी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इज़ सुपर क्लासी। अगर मैं बात करूँ कि एक बजट की, अगर हम लोग बात लेके चलते हैं कि अगर एक अर्टिगा और कैरेंस को कुछ मैच करते हुए बजट के अंदर आएगी तो सीरियसली ये गाड़ी बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है, क्योंकि हुंडई कहीं ना कहीं अपनी डिज़ाइनिंग को लेके नहीं, सिर्फ अपने कंफर्ट और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग कार के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल।